नंबर होता क्या चीज, वो नंबर सिस्टम होता क्या चीज है ना। तो पहले नंबर के बारे में समझाएंगे, नंबर के बारे में समझें। नंबर क्या होता है सर? नंबर क्या हो, एक वैल्यू है, अर्थमेटिक वैल्यू। अभी आप लोग अर्थमेटिक हमको डर लग रहा है सर, समझना। अर्थमेटिक क्या होता है? वो मैथ से रिलेटेड टॉपिक होता है ना। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है सर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो टॉपिक है उसको हम लोग अर्थमेटिक कहेंगे ना। आगे बहुत सारे आएंगे वो, है ना। आप हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाओगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो वो सब अभी बोल के डरना नहीं है ना, बोल के हम डराएंगे नहीं। सिंपल सा समझो, जहाँ पे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्थमेटिक कहेंगे, अर्थमेटिक कहेंगे, ठीक है। ए नंबर बाबू इज बाबू एन अर्थमेटिक वैल्यू बाबू भी चीज बाबू यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कहने का मतलब क्या सर, है ना। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, तो कितना मार्कर है सर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैसे सर? 4 मार्कर है सर। तो हमको इसको रिप्रेजेंट करने कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए ना बाबू, कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए ना। तो जिस सिस्टम के तहत बाबू इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। तो कितने मार्कर सर? 1, 2, 3, 4 मार्कर है ना। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करने को एक कुछ ना कुछ एक सिस्टम चाहिए ना। तो ये क्या है मेरे पास? 4 मार्कर है। तो ये जो 4 क्या हो गया सर? नंबर हो गया। 4 क्या हो गया? वो नंबर हो गया, नंबर हो गया ना, नंबर हो गया ना सर, नंबर हो गया ना। यही तो कुछ है जी, LKG का है, LKG का किसी भी चीज का। वो जैसे वो अभी आप लोग है ना क्लास में, तो कितने स्टूडेंट हो सर? तो उसको रिप्रेजेंट करोगे ना कोई सिस्टम से सर। तो मेरे पास वो 10 स्टूडेंट है। तो ये जो 10 बोल रहे हैं, जो 10 बोल रहे, यही क्या हो गया सर? नंबर हो गया, है ना। अब कुछ है जी, कुछ है आपके पास, मान लो पैसे रुपये है तो पॉकेट से निकालोगे। मेरे पास नहीं बाबू, गरीब हो गए, है ना, नहीं है ना। तो काउंट करोगे तो एज्यूम करो, मान लो वो 5 रुपया है ना, 5 रुपया का वो 5 नोट है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 नोट 5 नोट, है ना। तो ये बाबू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी न किसी चीज से वो, है ना। तो जिस चीज से रिप्रेजेंट करो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। जैसे आपके पास क्या है सर? कॉपी है, तो काउंट करो कितने कॉपी, 1 2 3 4 5, है ना, 5 कॉपी होगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 5 को क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे। यहाँ पे देखो बाबू, खाना नहीं बाबू, खाना नहीं है ना किसी को बाबू, खाना नहीं खाना है ना बाबू। ये एप्पल है, ये ना कि खा जाएगा ना, इसको बोर्ड पे ही रहने दीजिए, ये एप्पल है। तो इसको काउंट करो, हाँ ठीक है। तो कितने एप्पल है? 1 2 3। तो इसको 3 को कैसे लिखोगे, है ना बाबू? 3 को इस तरह से बाबू हम लोग, ये मान लो मेरे पास जो एप्पल है वो इसको रिप्रेजेंट करो ना किसी ना किसी डिजिट से। तो जो डिजिट है बाबू यही मेरा क्या बताएगा? नंबर बताएगा। तो कितने एप्पल है सर? 3 एप्पल। तो 3 मेरा क्या हो गया? नंबर हो गया। 3 क्या हो गया? नंबर हो गया। यहाँ देखो स्टार है ना, लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कितना? 1 2 3 4 4 स्टार है। तो 4 बार मेरा क्या हो जाएगा? नंबर हो गया। देखिए 1000 भी तारे हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टार है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करो? 4 से। तो 4 मेरा क्या हो गया? नंबर हो गया, नंबर हो गया। ये बाबू कील है ना, दीवार में बाबू हैमर करोगे ना जी, है ना, कील होता है, कील बाबू आप लोग दीवार में हैमर करते हो, हैमर करते है ना। तो वही मेरा क्या कील है। तो कितने कील है? 1 2 3 है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करो? ऐसे करके, है ना, इस तरह से 3 है ना। तो ये क्या हो गया? ये सारे के सारे क्या है? नंबर है। ये सारे का सारे क्या है? नंबर है। ये सारे के सारे क्या बोला? नंबर है। ये सारे के सारे क्या सर? नंबर है ना। ये सारे का सारे बाबू क्या है? नंबर है ना। ये नंबर हो गया, ये क्या है? नंबर है, है ना, ठीक है। तो इसी को नंबर कहा जाता है, और कुछ नहीं, है ना। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ नंबर, इसके प्रकार कितने होते हैं? जैसे आपके पापा जी हैं, है ना, दादाजी है, तो दादाजी के बेटा पापा जी, पापा जी के बाबू फिर आप लोग, है ना। तो उसी बाबू क्या होता है नंबर के, क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं नंबर के, टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के हैं? 18 टाइप के। आगे और लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं। पहला बाबू नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 लिखते हैं ना, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया ना, आप टू कहाँ तक? बहुत दूर तक, है ना, बहुत दूर तक, है ना। तो किस टाइप का नंबर लिखे हैं? हाँ रियल नंबर लिखे हैं। तो ये किस टाइप का नंबर होगा सर? यही हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू। अच्छा ठीक है सर, ठीक। जैसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डिवीजन वाला आप लोग पढ़ा है बाबू, है ना, एडिशन पढ़ा है ना बाबू, फ्रैक्शन का एडिशन सबट्रैक्शन। जैसे 3/2 लिख देते हैं, 5/2 लिख देते हैं, है ना, 7/3 लिख देते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है सर? नंबर है। कौन से टाइप का है बाबू? आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना बाबू। ऐसा भी बाबू, जैसे ये टोपी आ जाएगा, टोपी के अंदर ऐसे कुछ कुछ लिख देगा, एक टोपी इधर, यहाँ पे कुछ कुछ लिख देगा। तो ये भी बाबू क्या है? एक टाइप का नंबर है ना। तो हम लोग जनरली बाबू कितने होते हैं? 18 टाइप के, है ना, हम लोग को 18 टाइप पढ़ना है ना। पहला क्या सर? रेड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना, इसके बारे में लिखाएंगे, सारे को डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी समझाते हैं। ठीक, पहला क्या बाबू? नेचुरल नंबर है, हाँ सर। सेकंड वन क्या? होल नंबर। किसको कहेंगे सर? लिखाएंगे, लिखाएंगे, कुछ होना छोड़ेंगे, सब चीज डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड वन क्या? इंटीजर है। थर्ड वन क्या? इंटीजर है, इंटीजर है ना, इंटीजर है।
ठीक है, थर्ड वन क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट वन क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। नेक्स्ट वन क्या है, इरेशनल नंबर। फिर क्या है, रियल नंबर, रियल। ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे ना, डिटेल से पढ़ेंगे ना, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे सबके बारे में, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ठीक बाबू, ठीक मेरे बाबू, है ना। तो ये सिक्स है बाबू, सेवन नंबर लिखेंगे। ये सब क्या बाबू, टाइप्स ऑफ नंबर है, टाइप्स ऑफ नंबर है ना बाबू। ठीक, ये सौम्या बाबू, मयंक, मयंक नाम है जी सौम्या बाबू। यस सर। हाँ बाबू, तो जब हम समझा रहे हैं बाबू तो उस समय समझना है, और जब लिखा रहे हैं तो उस समय लिखना है, है ना बाबू। नहीं तो समझाने समय में आप लिखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो लिख भी नहीं पाओगे। अब थोड़ा तेजी से लिखना, आप बाबू वन क्लास में चल गए समझो बाबू, है ना। वन क्लास में बच्चे बहुत तेज हो जाते हैं, आप अभी बहुत पीछे हो, समझे मयंक बाबू। बोला ये मेरे भोले, इसकी सिस्टर है बाबू फाइव क्लास की, सुबह सुबह उसको पढ़ाते हैं। इसको दो साल होते होते इसको सिक्स सेवन में हम फिनिश कर देना, सिक्स सेवन एट तक कि नहीं, नैतिक ठीक रहेगा बाबू। यस सर। अभी देखो मयंक अभी वन में पढ़ रहा है, अगला साल में सेकंड में जाएगा। नेक्स्ट बाबू सिक्स नंबर है, सेवन नंबर, सेवन नंबर, ये क्या टाइप्स ऑफ नंबर है। नाउ बाबू मयंक यू हैव टू राइट डाउन बाबू, है ना, यू हैव टू राइट डाउन बाबू। ठीक बाबू, सेवन नंबर बाबू, इवन नंबर, इवन नंबर। कौन सा नंबर सर, इवन नंबर, इवन नंबर। एट नंबर बाबू, इवन के भाई कौन, ऑड नंबर, ऑड। ठीक, नाइन नंबर बोला, नाइन नंबर, परफेक्ट नंबर। अच्छा ठीक है, परफेक्ट नंबर। और बाबू क्या बोलते हैं, आरा बाबू और बंदूक छोड़ रहे बाबू। नो सर, मेरा आरा नंबर, कौन नंबर, प्राइम, प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, सर फिर को प्राइम नंबर। अच्छा बोला, ठीक है बोला, ठीक है, मन से पढ़ना बाबू, मन से पढ़ना। दिव्यांश वीडियो कैसे बंद हो गए बाबू, सर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है बाबू, शांत रहे बाबू। उत्कर्ष थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा बाबू, उत्कर्ष। यस सर। हाँ मन से पढ़ते चलना बाबू, उत्कर्ष बाबू तेज हो जाएगा ना उत्कर्ष। हाँ सर। हाँ बाबू देखो तो मयंक बाबू, उत्कर्ष आप ही का क्लास का है बाबू, उड़ीसा में रह रहा है। मैं अरे टू में हो तो वन टू में अंतर क्या बाबू, आठ महीना करना अंतर है जी, वन टू में जो है ज्यादा अंतर थोड़ी बाबू। ठीक है, लेकिन मेरा टेबल बाबू 25 तक कंप्लीट कर लिया बाबू उत्कर्ष। आपको कितना तक याद है मयंक टेबल बाबू, मयंक बाबू 12 तक याद है भोला, तो कैसे 20 तक पूरी है बाबू सर। कल सर अभी एक नंबर और होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 14 नंबर में। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख रहे हैं। हम लोग इतना सारा पढ़ेंगे, अभी और है इसमें बहुत पिटेंगे बाबू दिव्यांश से। क्या सर, क्या हुआ सर, कॉम्प्लेक्स नंबर बाबू। किसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर, उत्कर्ष का है। नेक्स्ट बाबू, तेजी से लिखना बाबू मयंक,
उत्कर्ष की तरह सो के नहीं लिखना, वो जल्दी लिखे बाबू, मैं अंक बाबू समझाएंगे इसको। सिक्सटीन नंबर से बाबू कंप्यूटर से रिलेटेड नंबर, ये सब कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं। यस सर, बाइनरी नंबर, बाइनरी जीरो एंड वन। सर वेरिएबल नंबर करके भी, सर ये सारा कितना महीने में कवर हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 1 to 19 तक? महीना नहीं लगेगा, आराम से पढ़े बाबू, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बाबू कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, ये इसमें हमको कहाँ ये सब यूज करते हैं बाबू, कंप्यूटर भी यूज करते हैं ना, लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये सब सारा का सारा कहाँ यूज होगा बाबू, कंप्यूटर में है ना, कंप्यूटर में यूज होगा, डेसिमल हेक्सा डेसिमल। इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस सर, मैं कौन से कहाँ पे रहता? मयंक बाबू उड़ीसा में रहता है। सर आपने 12th वन में को प्राइम में लिखा है, नंबर नहीं लिखा सर। को प्राइम ना, अच्छा ठीक है बोले। सर ये लास्ट में क्या नहीं दिख रहा? नैतिक, नैतिक को दिख नहीं रहा होगा, ऐसे नहीं दिख रहा। नैतिक दिखा बोला, नैतिक यस सर दिख गया सर, अब नहीं दिख रहा सर, अब दिखा। लिखो जल्दी बोले। इतना टाइप के हम लोग नंबर सीखेंगे, इसके बाद जिंदगी में आपको कभी भी नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं है बाबू, आपका कंसेप्ट क्लास है बाबू, जो भी यहाँ हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से पढ़ते हैं, स्कूल की तरह नहीं ऑड नंबर इवन नंबर पढ़ा के छोड़ देते हैं। डरना नहीं है मैं बाबू, आप मेरे सबसे तेज बच्चे बनोगे एक दिन, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, नहीं भी समझ में आएगा डटे रहना है। एक गया कौन? एयर अज्ञा शैतान वीडियो ऑन कीजिए, आराध्या गई? नो सर, यही हूँ। अच्छा आयुष गया, नहीं दिखाई देता क्या मयंक बाबू? मयंक दिखाई नहीं देता बाबू? दिखाई दे रहा है, दे रहा है तो थोड़ा फास्ट लिखिए, खाली सौम्या के साथ शैतानी कीजिएगा, लिखे जल्दी से, दिखाई दे रहा है। अभी दो साउथ का बच्चा आया नहीं लगता, वो सो गया क्या, उसको हिंदी समझ ही में नहीं आता है। आज 5 बजे नहीं आया था उत्कर्ष शैतान? उत्कर्ष बाबू 5 बजे क्यों नहीं आया था बाबू? यस सर, 5 बजे क्यों नहीं आए थे बाबू? मम्मी और मैं बाहर चल गए थे। लिखे जल्दी, लिखे जल्दी, लिखे सर मेरा हो गया। वेरी गुड, जल्दी लिखे बाबू, मयंक बाबू जल्दी लिखे, मयंक राइट डाउन फास्ट बाबू, मयंक आपको सबसे तेज होना, जल्दी तेजी से लिखिए, राइट डाउन फास्ट बाबू, स्लो मत लिखिए बाबू, तेजी तेजी लिखिए, पढ़ना भी बाबू पढ़ाना भी, बहुत चीज अभी करना हमको। डन सर, लिख लिया नैतिक? लास्ट नंबर मुझे जल्दी लिखना है, किसी का माइक ऑफ
क्या बाबू, यूज्ड इन कंप्यूटर, ये जो चारों नंबर है, ऐसे सर म्यूट कीजिए, ये जो चारों नंबर हम लोग हेक्साडेसिमल है, हेक्सा एच ई एक्स ए डी सी आई एम एल है, हेक्साडेसिमल। आप लोग ये सब जिंदगी में कभी सुनबो ना की होगे, शैतान अभी तक लगता है। आप कितना टाइप का नंबर जानते हो दिव्यांशी, बोले जी? क्या सर? कितने टाइप का नंबर जानते हो भोले? हाँ बोलिए। कह रहे बाबू आप कितने टाइप का नंबर जानते हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, इसके सिवा और कुछ जानते हो ऑड इवन के सिवा? ऐसे जानते हैं ऑड इवन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम और डेसिमल नंबर। अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड, लिख ले रख गया? नो सर, नीचे का दो खाली बाकी। जल्दी लिख ले, लिख ले उत्कर्ष बाबू, उत्कर्ष लिख लिया जी। यस सर। वेरी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना उत्कर्ष। हाँ सर। नहीं तो बहुत पिटेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू, इतने टाइप के क्या हमको नंबर पढ़ना, और हर एक को अब क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर सर है ना, उसके बाद बाबू आपका कौन था सर, होल नंबर बाबू है ना, होल नंबर था ना, वो होल नंबर था, फिर इंटीजर था है ना बाबू, फिर रियल नंबर, इरियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर है ना, ट्विन प्राइम नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बाबू, एक और छूट गया, हाँ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ये बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर है ना बाबू, ये ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर है ना, ये सब सारे हम लोग टर्न बाय टर्न क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सारे को डिफाइन करेंगे, सारे को डिफाइन करेंगे। जो नहीं लिख पाते मयंक बाबू स्क्रीन, मयंक जो नहीं लिख पाते बाबू स्क्रीन शॉट लेना आता है, मयंक, मयंक बाबू उसका नेटवर्क स्टक हो गया, उसका नेटवर्क स्टक हो गया, देखो मैं आपका चलो ठीक है, ठीक है बोला। अब हम लोग पहले किसको डिफाइन करेंगे सर, नेचुरल नंबर को डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे, रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर को डिफाइन करेंगे, ठीक, ठीक है बाबू, अच्छी बात है। अब समझना नेचुरल नंबर किसको कहते हैं सर, फर्स्ट नंबर, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है सर, कुछ नहीं होता बाबू, डराया गया है, जो हमारे पास काउंटिंग नंबर है ना सर, हाँ सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, जैसे समझो जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर है सर, अब लिखना है, नहीं जी समझना है, जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं ना, कितने जितने भी सारे काउंटिंग नंबर है, ठीक बाबू, जैसे ये पेन है तो कितना काउंट करोगे, चार करोगे, तो फोर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया ना, नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग चीज है जिसको जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो, सारा का सारा काउंटिंग वाला कौन होगा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा ना, ठीक हो, ठीक है, तो जीरो, अब आता है सर जीरो, जीरो के बारे में क्या मन में ख्याल आता है बाबू, बोलो दिव्यांशी, जीरो के बारे में क्या ख्याल आता है बाबू, दिव्यांशी, यस सर, जीरो के बारे में मन में कुछ ख्याल आता है, दिव्यांशी नेटवर्क भाग गया था मयंक बाबू, चार्ज खत्म हो गया था, चार्जर खत्म हो गया भोले, अच्छा चलिए ठीक है, अगला दिन से नहीं होगा। नेचुरल नंबर किसको कहो, जितने सारे काउंटिंग नंबर है, सारे के सारे काउंटिंग नंबर क्या होता है सर, नेचुरल नंबर होता है, तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पापा जी टेबल पढ़ाई क्या सर, काउंटिंग 1 2 3 4 5 मतलब क्या सर, जितने भी बाबू आपका काउंटिंग है, हाँ बाबू जैसे शांति से समझना है, लिखना नहीं है, काउंटिंग है बाबू, काउंटिंग क्या मम्मी पापा जी पढ़ाए, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 यही ना काउंटिंग पढ़ा है सर है ना,
जितने दूर तक आप काउंट कर सकते हो, 7 के बाद 8 सर, 8 के बाद 9, 10, ऐसे दूर तक, तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ सकते हैं वो काउंटिंग में। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उन्हें से दिव्यांशी बोलेगी 4 करोड़, उन्हें से अंशिका बोलेगी 10 करोड़, उन्हें से बोलेगा 1 मिलियन, 2 मिलियन, है ना। मतलब क्या, वो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो जो बहुत सारे होते हैं ना बाबू, उसको एक नया वाला टर्म आता है उसके लिए। इसके लिए हम लोग ऐसे एक सैम्बल देते हैं ना, 8, आप 8 लिखते हो ना। हाँ सर, 8 को थोड़ा सा क्या कर दो, ट्विस्ट कर दो, इसको इधर घुमा दो, है ना। तो ये 8 जैसा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नाम है। जैसे इसका नाम 8 है, इसका नाम क्या, इन्फिनिटी है। क्या है, इन्फिनाइट है। इसका क्या है, इन्फिनाइट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं ना, इन्फिनाइट कहते हैं ना। ठीक बाबू, तो जो भी काउंटिंग्स नंबर है, सारे काउंटिंग्स नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। मन से पढ़ना उत्कर्ष 47, जितने भी सारे के सारे काउंटिंग्स नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। आई सर, की सर, तो अगर 0 रहेगा तो 0 काउंटिंग नंबर है कि नहीं है सर, बता, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बता बाबू। नैतिक, सर 0 काउंटिंग नंबर है कि नहीं है जी, 0 काउंटिंग नंबर है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, बोलो बाबू। दैंतिक बोलिए, भोला बोलिए। मैं बोलू बोलो सर है। सर नैतिक, 0 काउंटिंग नंबर है कि नहीं बाबू। नैतिक, शैतान कहाँ भाग गया जी, कहाँ यस भाग गया, सो गया था जी। नो सर 0 काउंटिंग नंबर होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाया। आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन बाबू, एलकेजी 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 आईक्यू टेस्ट, बोलो बाबू। नहीं देख, मैं बताऊं सर, हाँ आपका भी टर्न आ रहा है, अभी तो आपसे पूछे बाबू, बोलो ना। नहीं देख, काउंटिंग नंबर बोलो अंशिका, 0 काउंटिंग नंबर है कि नहीं है, सर 0 काउंटिंग नंबर है कि नहीं है। जीरो, मैं बताऊं 0 का टेबल तो नहीं होना है, वो 0 नंबर जीरो। मेरा मयंक देखो, तो सबसे तेज मेरा मयंक बनेगा, बोलो मयंक बाबू, 0 काउंटिंग नंबर है कि नहीं बाबू। होता है। बोले दिव्यांशी, हाँ सर 0 सर, 0 काउंटिंग सर, नो सर नहीं है, होल नंबर में आता है सर। ऐसे शैतानी को, आप शांत रहे, आपका इसमें बैच है बाबू, उजाला कर रहे। बोलो बाबू दीवांशी मेरी, सर आता है सर, बोले नहीं कि उत्कर्ष, उत्कर्ष बाबू, 0 काउंटिंग नंबर होगा कि नहीं होगा। उत्कर्ष नो नेटवर्क, हाँ नहीं होगा। अरे शैतान, देखो हमको क्या करना है सर, किसी चीज को, सर आप शांति से सुनो। नेचुरल नंबर क्या होता है सर, काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर बाबू आप लोग कहाँ से सीखते हो, काउंटिंग नंबर किसी, काउंटिंग क्या सर, किसी चीज को आप काउंट कर सकते हो, तो ये मार्कर है बाबू, तो इसको काउंट करोगे तो 1 2 3। आज किसी भी चीज को काउंट करो तो मिनिमम मिनिमम क्वांटिटी कितना हो सकता है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मार्कर या तो 1 हो सकता है सर, या 2 हो सकता है सर, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है ना बाबू, है ना। जो चीज है ये नहीं है तो उसको हम लोग काउंट क्या करेंगे सर। 0 का मतलब क्या होता है, ये नहीं है, है ना। अब बाबू जैसे मार्कर मेरे पास है ये नहीं तो काउंट कैसे करोगे, है ना। काउंट जो चीज है ये नहीं, लड्डू, हाँ जो चीज है ही नहीं बाबू, उसको काउंट कैसे करोगे, है ना। तो 0 मेरा काउंटिंग नंबर नहीं होता है ना, ध्यान दीजिए बाबू, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं जी। और जो चीज रहेगा उसी को ना काउंट करोगे जी। और 0 मतलब नथिंग, 0 का मतलब नथिंग, है ना, नथिंग, नॉट एवरीथिंग, नथिंग, कुछ नहीं। तो जो चीज है ये नहीं उसको काउंट कहाँ से करोगे, मिनिमम कोई भी चीज रहेगा तो मिनिमम 1 रहेगा, क्या रहेगा, मिनिमम 1 रहेगा। तो काउंटिंग नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। 0 मेरा क्या होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो जो चीज रहेगा ही नहीं आपको तो उसको काउंट कैसे करोगे, है ना, कहले काउंट करोगे, रहेगा ही नहीं ना। तो 0 मेरा काउंटिंग नंबर नहीं है, तो 0 काउंटिंग नंबर नहीं है तो 0 नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। कितना आसान है ना बाबू, नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, जिसको काउंट करेंगे, है ना, काउंट करेंगे। तो 1 से लेकर पापा जी आपको, हाँ बहुत दूर तक काउंटिंग सिखाए, 100, 1000, 2000, 3000, है ना। तो सारा का सारा काउंटिंग नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। समझा उत्कर्ष, ए उत्कर्ष समझा बाबू। यस सर, हाँ बाबू, तो किसी से पूछिएगा ना जी कि 0 काउंटिंग नंबर ना होगा तो
कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन है, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होता है ना, जो चीज रह भी नहीं करेगा उसको काउंट कैसे करोगे, है ना सर। तो क्या लिखेंगे बाबू, काउंटिंग नंबर्स बाबू, डिफाइन कीजिए, हाँ डिफाइन कीजिए, डिफाइन कीजिए। मयंक बाबू लिखे बाबू काउंटिंग नंबर्स बाबू, समझ में आता है मयंक? नंबर्स आर कॉल्ड, मयंक बोला ए मयंक, हाँ काउंटिंग, हाँ हाँ बोलता, अभी 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 आपको पीटेंगे। ईएक्स फॉर एग्जांपल हो गया, अरे आप लोग बच्चे हो शैतान। काउंटिंग नंबर्स जैसे एग्जांपल में क्या सर, वन सर, टू सर, थ्री सर, फोर सर, फाइव सर, है ना, आप तो कहाँ तक सर, बहुत दूर तक सर, है ना, ठीक बाबू। काउंटिंग नंबर सर बाबू कॉल्ड, नेचुरल नंबर, एलकेजी, 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 ये सब किस क्लास में पढ़ना, एलकेजी में काउंटिंग है ना करना है बाबू। हाँ सर, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, बता दो मयंक बाबू। कैडबरी टॉफी, बहुत सारे टॉफी रखे हुए हैं सर, मयंक बाबू सर, वन सर, वन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा उत्कर्ष बाबू, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाबू, वन वन सर, वन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है ना, इज वन, इज क्या होगा बाबू, वन होगा है ना। कोई पूछेगा सर, क्या पूछेगा बाबू, कि कहेगा हाउ मेनी बाबू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर की संख्या कितनी, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स आर देयर, कितना होगा उत्कर्ष बाबू, उत्कर्ष है अभी मेरा बच्चा, सब तेज हो गया, सब छोटका छोटका आइंस्टीन है जी, सब मेरा छोटा छोटा आइंस्टीन है, इतनी सब छोटा छोटा आइंस्टीन सब है ना, आयुष बोलता का है नहीं जी, सब छोटा छोटा आइंस्टीन है मेरा इसमें। उधर क्या गप कर रही है दिव्यांशी, दिव्यांशी क्या गप कर रही है जी सर, डीआईवाई टाइम, ऐसे टाइम डीआईवाई टाइम बाबा, अभी टाइम हुआ जी, हां जी टाइम डीआईवाई, आज तो पढ़ाई भी नहीं है कुछ, हां भला टाइम हो गया, पता नहीं चला बाबू से एप्पल में और सेव में निकल गया टाइम, है ना सर, कितना एप्पल खाते हैं सब, इतना टाइम निकल गया है ना बाबू। देयर आर बाबू, कोई पूछेगा कितना नेचुरल नंबर होगा सर, है ना, तो इनफिनाइट, देयर आर नेचुरल नंबर, सर देयर आर इनफिनाइट नेचुरल नंबर्स, अच्छा ठीक है, अनकाउंटेबल इनफिनाइट नेचुरल नंबर, वेरी गुड, मेरा सब छोटा छोटा आइंस्टीन है, सब छोटा छोटा आइंस्टीन है, एक दिन सब जाके बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है सर, किसी से पूछना, जीरो नो सर, नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ होल नंबर, जीरो इज बाबू नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का हम लोग कैसे लिखेंगे सर, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, जैसे इंडिया का बाबू है ना सिंबल क्या है बाबू, फ्लैग है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बाबू ये क्या ओम है, तो ओम को इस तरह से लिखते हैं, तो नेचुरल नंबर का हम लोग लिखेंगे कैसे सर, लिखेंगे कैसे सर, एल, ये सब पॉइंट याद रखना, ये सब पॉइंट ध्यान रखना, नेचुरल नंबर इज बाबू, ए मयंक भोला समझ में आ रहा बाबू, उधर क्या देख रहे हो मयंक, आ रहा समझ में मयंक, मोबाइल को अनम्यूट करना है, देन यू हैव टू स्पीक बाबू, आफ्टर देन
हाँ बाबू आ रहा है। हाँ आ रहा है, जाना नहीं है बाबू, आ जाएगा, उसको जाना नहीं है। नेचुरल नंबर इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाई, सौम्या से आपको तेज हो जाना है मियां, ठीक है ना बाबू, सौम्या से तेज होना। नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर को, हम लोग कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, एन कर्ली ब्रेसेस देंगे, वन टू, इसके आगे लिख लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट नंबर लिखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितना होगा ये हो जाएगा, ये इनफिनाइट है, ये क्या बोला मेरा, इनफिनाइट है ना, ठीक बाबू। एन फॉर क्या सर, नेचुरल नंबर देयर, एन फॉर बाबू, एन स्टैंड्स फॉर, एन मेरा क्या सर, नेचुरल नंबर को लिखा है ना, सर माय वर्क इज फिनिश्ड, वेरी गुड। अमन से पढ़ती करनी राधिया, यार राधिया आंख में पानी डाल डाल के क्यों नहीं पढ़ते बाबू, राधिया यस सर, पानी मन से पढ़ती हो जी, पढ़ती हूँ, तो मम्मी काहे बोलती है कि नहीं पढ़ती हो, देयर इज बाबू नो, नो लास्ट और कहेगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा सर, सर ग्रेटेस्ट सर यहाँ पे तो कोई ग्रेटेस्ट ही नहीं है, नैतिक बोलेगा सबसे बड़का नेचुरल नंबर 1000, तो उन्हें सौम्या बोल, मयंक बोल देगा 2000। अरे इनफिनाइट नंबर नहीं होता जी, इनफिनाइट नंबर नहीं होता है, देयर इज बाबू नो, होता ही नहीं है, नो लास्ट या ग्रेटेस्ट, कोई भी बड़का नंबर नहीं होता, कोई बोलेगा सर 10 करोड़, तो उधर से छोटा सर 10 करोड़ भी हो सकता है, 12 करोड़, 13 करोड़, हाँ छोटका बच्चा पीछे से बोलते 10 करोड़ से बड़ा है ना 12 करोड़, हाँ तो आपका मुंह चुप है ना, तो लास्ट पूरा कोई नेचुरल नंबर है ये नहीं है ना, लास्ट पूरा है ये नहीं, लास्ट है ही नहीं, फर्स्ट सबसे ग्रेटेस्ट भी नहीं है। लिखिए बाबू आप लोग का टाइम हो गया, टाइम कल हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे है ना, आज डीआईवाई इसमें कंसेप्ट थोड़ा पढ़ाएंगे, तो डीआईवाई में हम लोग डेली डीआईवाई नहीं देते, हम लोग सिलेबस के अनुसार देते, ठीक है ना, टॉपिक आएगा उसका देने वाला तो देंगे, अभी कुछ नहीं पढ़ा है उसका है ना, अभी एंजॉय करना, अभी जाना है एंजॉय करना है ना, अब फेयर कर रहे हो नैतिक, यस मैं कर रहा हूं, आज हम कंप्लीट करना, कितना कॉपी खत्म किया नैतिक, मेरा एक कॉपी खत्म हो गया 200 पेजेस का, ये 400 पेजेस का कॉपी, आपका ये क्या हुआ वो, मेरे इस तरह का 3 कॉपी खत्म हो गए जी, दोनों साथ साथ पढ़े हुआ वो, कहाँ के बाबू डंडी मारे नहीं थे, बहुत पिटेंगे दिव्यांशी, फेल हो गया मैं, फेल हो गया, हाँ झूठ नहीं ना बोलती बाबू, मैं सच है, हाँ झूठ नहीं बोलना बाबू, झूठ बोलने से बाबू दिक्कत होते हैं।